तो चल रहे हैं हम अपनी गुफा की तरफ, जहाँ हमने जगह बना के रखा है। और वहाँ यहाँ कुछ शेल्टर नहीं है, फिर भी हम ढूंढ के हम शेल्टर बनाने जा रहे हैं। आज का पिकनिक का दिन, 2-3 घंटे जो हम स्पेंड करने जा रहे हैं ये पहाड़ी के बीच में। और ये आप देख सकते हैं कि मैं पहाड़ी की तरफ चल रहा हूँ और मेरे कई दोस्त लोग ऑलरेडी पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं। और एक ये गुफा है, वो गुफा में हमने शेल्टर ले चुका है। हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जगह जगह नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ नहाने के लिए। अभी ये लो टाइड है, तो लो टाइड में पानी का जो प्रभाव थोड़ा कम है, तो यहाँ हम नीचे जाके नहा के हम एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ का जो पानी है वहाँ साफ और अच्छा है और नहाने के लायक भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ पहाड़ से घर समंदर के बीच में ही पहाड़ है ये अलसवादी बीच। तो आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा आइलैंड जैसा है, इस जगहों पे 3-4 आइलैंड जैसे छोटे छोटे, वहाँ जाके पिकनिक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सा वीकेंड में बहुत सा आदमी लोग यहाँ वीकेंड फैमिली के साथ मनाने आते हैं। तो ये ओमान की एक खासियत है कि यहाँ बहुत सा बीचेस है, यहाँ बीच की वजह से यहाँ ओमान में टूरिज़्म ज़्यादा आते हैं और बहुत सारा फॉरेनर्स यहाँ लोग एंजॉय करके चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हम पहाड़ी के ऊपर पहुँच चुके हैं। हमारा दोस्त लोग ये समंदर का नज़ारा ले रहे हैं और हम प्रिपरेशंस प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल, यहाँ का पानी और यहाँ का जो वेदर कैसा है, इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। और यहाँ हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे ही रोमांच भरी जगह पे आके एंजॉय करना कुछ अलग तरीके का माहौल है। ये माहौल में हम एंजॉय करने आए हैं। तो ये पहाड़ी एरिया की जो चढ़ उतार और जो बड़े बड़े पत्थर दोस्तों, तो देख सकते हैं जो अभी हम हमारी गुफा है देखते थे, ये मेरे पीछे हमारी गुफा असल में अभी देखने के लिए आए हैं। हमारा सामान रखा है, हमने खाना खाया और अभी कुछ देर में हम समंदर का पानी का मजा जा रहे हैं। ये स्लोप है और वहाँ बीच बीच में बड़े पत्थर हैं, तो संभल के मैं जा रहा हूँ ताकि गिर ना जाऊँ। आराम से आराम से। वो एक देख सकते हैं नज़ारा, ये आइलैंड्स भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग खाना पका रहे हैं। ये यहाँ बीच में जो आइलैंड्स है वहाँ भी कुछ आदमी नहा रहे हैं। और ऐसे हम चल रहे हैं तरह समंदर की तरफ। तो ये देख सकते हैं कुछ मेरे दोस्त ये पहाड़ी के ऊपर भी ऑलरेडी, ये देख सकते हैं समंदर का पानी। और हम अभी नीचे की तरफ होके हमारा जो पहला मंजिल था वो मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं मैं क्यों के अंदर बैठा हूँ, समंदर है। और ये देख सकते हैं पानी मेरे अगल बगल में, यहाँ थोड़ा मैं बैठा हूँ एक पत्थर का सहारा लेके। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं, एक छोटा सा केव है। तो बहुत नमकीन, बहुत सा अभी हम हमारे दोस्त अब पूरब की तरफ जा रहे हैं समंदर में नहाने के लिए। तो समंदर में नहाने के लिए मेरे बहुत से दोस्त, हम 10 आदमी गए थे, तो 10 दोस्त अभी नहाने के लिए हम समंदर में आ चुके हैं। और ये समंदर में हम देख रहे हैं कि आजू बाजू के जो आइलैंड है वो आइलैंड का भी मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ जो सैंड है वो सैंड के साथ भी हम खेल रहे हैं जैसे हम बचपन में खेलते थे। तो वहाँ कुछ दोस्त ड्राइंग्स वगैरह बना रहे हैं सैंड के ऊपर और कुछ दोस्त लोग पानी का मज़ा ले रहे हैं। समंदर में नहाते नहाते आजू अगल बगल का जो हम नज़ारा देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ी और बहुत सा टूरिस्ट लोग भी अभी नहाने के लिए आ रहा है। अभी शाम का समय हो रहा है, तो शाम के समय में बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। तो बहुत सारे लोग अपना वीकेंड्स यहाँ मनाते हैं फैमिली को लेके आके। तो यहाँ नहा के छोटे बच्चों को खुद नहा के
अपना एंजॉयमेंट करवा लेते हैं। यहाँ आके बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बचपन में हम समंदर में नदी में नहाया करते थे, तो अभी यहाँ एक सुनहरा अवसर मिल गया या समंदर में नहाने के लिए ये आइलैंड की वजह से। यहाँ मेरे साथ जो दोस्त लोग आया हुआ है, बहुत सारे लोगों को स्विम करना भी आता है, कुछ लोग सीख भी रहे हैं, वो दोनों टाइप के दोस्त मेरे बहुत स्विमिंग कर रहे हैं। और तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ आके यहाँ एंजॉय कर रहा है। ये जो बाइक राइड सी बाइक राइड आप देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा से टूरिस्ट लोग हैं, ये बाइक राइड का मज़ा ले रहे हैं। और इस तरीके से ये शाम का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ नहा रहा है ये पहाड़ी के बीच में, ये जो आइलैंड है। तो यहाँ का नज़ारा जो है बहुत काफ़ी दिलचस्पी है। तो यहाँ आपको पिकनिक के लिए आना है तो आपको यहाँ आने के लिए सी शोर से बोट्स अवेलेबल है, तो आने जाने का नॉर्मली 2 रियाल लेती है। यहाँ जो शिप्स है वो शिप वाला जो छोटा शिप है वो शिप का बंदा आपको ये आइलैंड पे छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद 3 या 4 घंटे के बाद जैसा आप उसको कॉल करेंगे वो आपको आके रिसीव करेगा। तो ये यहाँ का